राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का फर्जी कागजात छापकर उसका गैर इस्तेमाल करने वाले एक ठग को कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठग का नाम लालमणि पांडे है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। लालमणि नई दिल्ली के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग करता है। ऐसी शिकायत कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। राज मुद्रा रहित लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र प्रेसिडेंट का आयकर के साथ फर्जी कागजात मिला है। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त विवेक पंसारे ने पत्रकारों को दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम पर इस व्यक्ति ने जिन व्यक्तियों को फंसाया हो वह सभी कोलसेवाड़ी पुलिसों से संपर्क करे, ऐसा भी डीएसपी पंसारे ने कहा। साथ ही लालमणि ने अन्य व्यक्तियों को भी मानवाधिकार आयोग का फर्जी प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र और आयकर कार्ड दिया। उन सभी की जांच की जाएगी। लालमणि के खिलाफ कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। हमारे कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक आदमी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड या आई कार्ड फर्जी बना के उसका दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे एक तकरार प्राप्त हुई थी। जो तकरार के इंक्वायरी के बाद हमने कल कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में IPC 420, 465, 468, 471 के तहत गुना दाखिल किया है। इसमें जो आरोपी है लालमणि पांडे, उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से उसके कब्जे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि फर्जी है, और वह उसको भारत सरकार की राजमुद्रा छपाई हुई है। उसके बारे में भी हमने एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट के तहत गुना दाखिल कर दिया है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बहुत सारी लेटर पैड्स, विजिटिंग कार्ड्स इसके पास से बरामद हुई है, जो कि इसके पास रहने का कोई भी अधिकार इसको नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।